तो पहली बात तो गाइज ऐसा सेशन टाइम टेबल वाला मैं पहले बना चुकी हूँ इस वीक में अक्टूबर से जनवरी में कैसे आपको पढ़ाई करनी है कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है वो आपने नहीं देखा देख लो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अलावा क्या करना है उन बच्चों को जिनका मिड टर्म्स खराब है हम उसके बारे में और डिटेल में आज बात करने वाले हैं बट सेशन को शुरू करने से पहले लेट अस स्टार्ट विद क्या आप कर भी सकते हो आप तैयारी आर यू टू लेट टू स्टार्ट योर तैयारी तो माई आंसर इज नो यू आर नॉट टू लेट ठीक है बाय

से शादी करा देंगे वो ऐसी बातें मुझसे करते थे और मेरी हालत बुरी मैंने कहा भाई अब क्या करूं फिर मैंने बैठ के प्री बोर्ड्स में मैं फिजिक्स में फेल थी केमिस्ट्री में, में मेरे 52 48 52 ऐसी टाइप के एक्वेस्ट पे मार्क्स थे मैंने इतनी मेहनत की दो महीना कि जब बोर्ड एग्जाम्स आए तो मेरे केमिस्ट्री में 97 और फिजिक्स में कुछ 84 85 मार्क्स थे दैट बिग जंप आई कुड डू इन 2 मंथ्स 1 एंड 1 मंथ्स तो आप जिनके पास अभी भी चार महीना है बेटा आप तो पहाड़ क्या आप तो 95% परसेंट ला सकते हो पहाड़ भी हिला सकते हो ठीक है तो इट इज नॉट टू लेट फॉर यू लेकिन इट विल बी लेट अगर आप ये तीन गलतियां करते हो एज स्टूडेंट पहला टेकिंग मार्क्स कैजुअली आप सोचोगे यार ये मिड टर्म के मार्क्स है ही क्या बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है जो हम अभी से चिंता करना शुरू कर दे अगर ये आपका एटीट्यूड है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे बोर्ड एग्जाम्स में और कुछ भी मैं लू, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एक होने चाहिए आपके आपके लिए कि आपकी क्या position है, आपके पास कितना टाइम बचा है और आपके ऊपर एक डालना चाहिए दूसरा लुकिंग फॉरवर्ड नॉट एनालाइजिंग हो सकता है कुछ बच्चे कहे मिड तो अब मैं अच्छा पढ़ना शुरू करूंगा और आप फ्रॉम द स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देते हो विच इज अग मिस्टेक बहुत जरूरी है एनालिसिस करना कि आपके मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए आप डिस्ट्रैक्टेड थे आपने कुछ चैप्टर्स छोड़े आपने उसे सीरियसली नहीं लिया आपने सीरियसली लिया लेकिन आपको आंसर लिखना नहीं आता था तो एनालिसिस बहुत जरूरी है तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है बींग टू हार्श ऑन देम देखो एक होता है कैजुअली लेना कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे और बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि वो यही सोचते रहेंगे टाइम कितना कम मिड टर्म्स खराब खराब थे जाएंगे मम्मी पापा हमें मारेंगे वगैरह वगैरह उस उस सर्कल में बिल्कुल नहीं फंसने का देखो जो हो गया वो हो गया उसको हमें एनालाइज करना है उससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है और आगे हमें अच्छी जगह बढ़ना है अच्छे मार्क्स से हमें स्टैंडर्ड पास करनी है और उसके लिए आप लेट नहीं हो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ तो स्टॉप बींग टू हार्श ऑन योर सेल्फ स्टॉप कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता मैं इतना बेकार हूँ, मैं बिल्कुल भी आ, आ, जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए यूज करना बंद कर दो इट विल ओनली बी टाइम कंज्यूमिंग और आपको बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ वो नहीं देगा तो आपको करना क्या है

इतना ज्यादा मतलब आफ्टर दैट एक घंटा डेढ़ घंटे का तिया मन करता था लो बिल्डिंग से कूद जाओ इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब होता था लेकिन उस से मुझे यह पता चल जाता था कि मेरी वीकनेस क्या है मुझे किस पे काम करना है अगर मैंने वो या मम्मी ने मेरा वो दिया पाचा नहीं करवाया होता बैठ के तो शायद मुझे पता ही नहीं होता मुझे अगले एग्जाम की तैयारी कहां से शुरू करनी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है सो वॉट डू है आपको हर क्वेश्चन देखना है कि भाई ये गलती क्यों आई थी? चैप्टर तो on कि आपको किस चीज पे काम करना है फिर आप लिखो अपने स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब आपको फुल मार्क्स में आए मैप्स लिखो हिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी ज्योग्राफी से हिस्ट्री लिखो तो फाइंड आउट आपका वीकनेस क्या है आपका स्ट्रेंथ क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है ये सेकेंड इज जो मैं आपको टाइम टेबल वाले सेशन में भी बनाया बताया था मेक श्योर sure कि आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड कर दो आपके लिए डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं प्रिंट कल्चर आपने अभी तक शुरू नहीं किया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बहुत रक्टाफिकेशन है मीडियम ओके ओके आता है कुछ कुछ रिविजन की जरूरत है मीडियम में लिखो ईजी मतलब आपको लगता है एक रिविजन से हो जाएगा काम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए थे उस हिसाब से अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो हर सब्जेक्ट में ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि उसके बाद आप पता करोगे क्या सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है लेट्स से नेशनलिज्म इन इंडिया आपके लिए इजी चैप्टर है पर ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है तो आप इसको टिक लगा के बोलोगे इसको मैं एक बार रिवाइज जरूर करूंगा प्री बोर्ड से पहले दो बार ठीक है तो और लेटा से कि आप मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज डिफिकल्ट है पर वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है तो आप कहोगे यार ठीक है 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 स्कोरिंग भी भी नहीं डिफिकल्ट आपकल आखिरी के लिए छोड़ देता हूँ तो आपको पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है फिर आपको शुरू करनी है अपनी तैयारी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर से अब मैं दो सब्जेक्ट्स पे स्ट्रेस करती हूँ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें चैप्टर सिर्फ तीन तीन है चौथा में थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर तीन मेजर चैप्टर्स है और इनमें से करके आपको चालीस मार्क आपकी जेब में होंगे है ना तो इकोनॉमिक्स से तो आपको शुरुआत करनी ही करनी है आपकी तैयारी से बीस मार्क आराम से आपको मिलेंगे और फिर हिस्ट्री करना है फिर यू मूव टू सिविक्स एंड स्कोरिंग चैप्टर्स और और अपने स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से शुरू करो करो शुरुआत वाले चैप्टर से जो आपको थोड़े बहुत आते हैं मीडियम वाले से जिससे आपको मोटिवेशन मिले अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर से शुरू करोगे तो हो सकता है आप शुरू में ही सोचो यार ये बहुत मुश्किल है और छोड़ दो करना तो स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट मीडियम चैप्टर एक बार वो हो जाए देन मूव ऑन टू डिफिकल्ट स्कोरिंग चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इज़ी है बट पॉलिटिकल पार्टीज़, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रिंट कल्चर ये वाले चैप्टर्स डिफिकल्ट स्कोरिंग भी है तो अब फिर आप उनके ऊपर जाओ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ मोटिवेशन है ना कि भाई मिट्टर्म बर्बाद मैम ने बोला है कर सकते हैं सब कर लेते हैं बिटन नहीं पहले आपको हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन देखनी है और अपने बेसिक नोट्स बनाने फिर आपको एन की रीडिंग लगानी है ठीक है टाइम है आपके पास एनसीआरटी को गो थ्रू कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने ठीक है ये काम करने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और पी वाई देखने। हर चैप्टर में आपने ये कर लिया आपका चैप्टर खत्म अब कौन सा YouTube आपको चूज आप से आप पढ़ना है कोई भी पढ़ लो गाइज ये आपके ऊपर है आपको किस टीचर का एक्सप्लेनेशन समझ आता है देखो अगर आज आपको लगता है ये टीचर है वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं बुरा पढ़ा रही हूँ हो सकता है आपको उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा है उनकी भाषा अच्छी लग रही है उनका तरीका अच्छा लग रहा है तो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू वॉट सुज यू बेस्ट है ना अपना रिसोर्स को चूज कर लो अभी ट्रैक योर टारगेट गाइज मोटिवेशन बहुत जरूरी है वाई आर यू स्टडिंग ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है चूज योर वाई पहले पता करो क्यों पढ़ रहे हो 95 कितने टारगेट मार्क्स है 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 92 है, 95 है, क्या है? 80 भी हो सकते है, भाई अपने हिसाब से अपना टारगेट चूज करो है ना क्यों पढ़ रहे हो मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है खुद को अच्छा फील करना है जिंदगी बर्बाद नहीं करनी इसलिए हम पढ़ रहे हैं फिर अपने टारगेट्स करो कि यार देखो एंड ऑफ दिसंबर तक मुझे अपना एस का सिलेबस खत्म करना है इतने चैप्टर्स करने ये चैप्टर्स मैं बाद में करूंगा मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं कर लूंगा मेरे पास टाइम है उसके बाद आप कहो कि हफ्ते में और हर दिन का टारगेट बनाओ कि आप क्या करोगे बहुत जरूरी है अगर आपने हर दिन का टारगेट बनाया तो फिर जब आप उसको एक्म्प्लिश करोगे जब आप उसे पूरा करोगे तो वो खुशी जो आपको मिलती है उसे आपको पेट्रोल मिलेगा टू स्टार्ट अनदर डे तो हमेशा मेक योर टारगेट फॉर स्मॉल देखो आप अगर अभी तक इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड थे तो डिस्ट्रैक्शन में तो एकदम नहीं उस तो हिसाब तो से धीरे धीरे अपने लाइफ में बैलेंस लाओ पढ़ाई लाओ पढ़ाई का मन नहीं करता बिल्कुल लगता है लेटे रहो तो अपने आप को बोलो यार ठीक है बस एक चैप्टर करूंगा आज में बस एक चैप्टर कर लो सुरभि उस हिसाब से अपने आप को टेबल पे बैठाओ स्टडी स्पेस अपना क्लियर अप करो अपने सामने टारगेट करो और बोले पढ़ो भी पढ़ो और एक बार पढ़ो ही मजा आने लगेगा और हमेशा याद रखो आप क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे बेटा यही है पढ़ने का टाइम अभी मेहनत कर लो और बाद में मस्ती कर लो जिंदगी में या फिर अभी आराम कर लो और बाद में चप्पल घिसोगे खाने पीने और बच्चों को बड़ा करने के लिए या आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो ठीक है चलो नेक्स्ट इज डू और डाई यह है मेरा स्लोगन जो मैंने गांधी जी से लिया है कॉपीराइट दिया है उनको डू और डाई अब टाइम हो गया है तो क्विट क्विट इंडिया नहीं योर टाइम आ गया है डिस्ट्रैक्शन को फोर्सफुली अपने आप से निकालने का एवरी सिंगल डे स्लोली स्लोली और बिल्कुल अपना पूरा ध्यान बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगाने का मैं उन टीचर्स चर्स में से नहीं हो जो कहेगा कि बेटा कोई बात नहीं थोड़ी मस्ती भी कर लो मस्ती अगर चाहिए तो वो वाली मस्ती चूज करो जो है बहुत सिंपल है जैसे बाहर धूप में घूमना नीचे जो है अंताक्षरी खेलना अपने दोस्तों के साथ अपनी मम्मी पापा से बातें करना इतना वीडियो गेम्स ये गलत है बार बार सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग गलत है यूट्यूब पे सेशन देखने आते हो पर वाइटी शॉर्ट्स में लग जाते हो पता ही नहीं चलता कब घंटा निकल जाता है टाइम निकल जाता है थकान होती है पर पढ़ाई कुछ नहीं होती ये गलत है बार बार मैं कह रही हूं डू और डाई बड़ा सा लिख लो अपने पेपर पे और लगा लो अपनी स्टडी टेबल पे, क्योंकि अब आ गया है टाइम डू और डाई का कुछ महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ना है अब पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में जरूर पछताओगे ठीक है तो दैट इज़ इट आई होप यू लाइक टू डे सेशन अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि क्लास नाइन एंड टेन के लिए हम लोग यहाँ पर सेशंस लाते हैं मैराथॉन्स कर रहे हैं एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन करा रहे हैं प्लीज़ फॉलो आस प्लीज कम फॉर दो सेशंस वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो बाय हैव अ ग्रेट डे